welcome back to Drive to Discover. Today is 19th of October and we are at Leh and we are starting from Leh to Sonmark. Our return journey is starting from today onwards. पहला दिन होने वाला है Leh से Sonmark तक, क्योंकि पहले सोचे थे मनाली होके जाएंगे लेकिन इतना बर्फ हो रहा है, आपने पिछला वीडियो में देखा, बारालाचा तांगलांगला ये सब तो बंद ही होगा, तो वो रिस्क हम नहीं उठा रहे, यहीं से जाएंगे Sonmark होके। लगेज आप लोग देख सकते हो पीछे पूरा पैक, ये भी फुल पैक, सब कुछ हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट। अभी यहाँ पे 854 एंड बाहर का टेम्परेचर ये 4 दिखा रहा है, बट ये 4 तो है नहीं, उससे कम ही है, मतलब ये थोड़ा गलत दिखाता है। अभी कुछ देर में स्टार्ट करेंगे, मौसम उतना अच्छा नहीं है, अभी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट किया है, गर्म होने देते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। हम लोग जर्नी स्टार्ट किए हैं Sonmark के लिए, लेट बहुत हो गया, 9:45 हो रहा है, तो सामने का पहाड़ देख सकते हो बर्फ से कवर्ड है और नेक्सॉन भी हमारे साथ है, वो मेरे पीछे आ रहा है। आज का टारगेट है Sonmark इंटर माउंटेन, जहाँ पे पहले रुके थे आते वक्त, देखते हैं कितना देर में पहुँचेंगे। पहले मेरे जीपीएस में फोटुला टॉप दिया हुआ है, 126 किलोमीटर्स है यहाँ से, उसी में थोड़ा टाइम लग जाएगा। फोटुला के बाद नामिकला, फिर कारगिल क्रॉस, फिर जोजिला एंड उसके बाद Sonmark। लेट्स सी कितना देर में पहुंच सकते हैं। सामने वाला रास्ता लग रहा है जाके उस पहाड़ में ही भिड़ जाएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है सामने का नज़ारा। फोटुला अभी भी 102 किलोमीटर दिखा रहा है जीपीएस में, पहले लामायुरू आएगा उसके बाद फोटुला, टाइम है अभी बहुत। और अभी गुरुद्वारा पत्थर साहिब हम लोग क्रॉस किए, अभी मैग्नेटिक हिल आ रहा है, वो सामने देखो, ये जो दो बिल्डिंग दिख रहा है ना सामने दोनों तरफ और कुछ गाड़ियाँ खड़ा है, यही मैग्नेटिक हिल है, येलो और वाइट लाइन से बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ी रोक के लोग टेस्ट करते हैं लेकिन काम कुछ होता नहीं है। ये वाला पहाड़ एकदम छोटा छोटा पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर है, लेकिन उस तरफ एकदम छोटा पत्थर और रेत से बना हुआ है, यहाँ से सब ऐसे ऐसे झड़ रहा है। ये जो रेत का दिख रहा है साइड से, उसके अंदर बड़ा बड़ा पत्थर है, यहाँ पे रेत है, ऊपर देखो बड़ा पत्थर है, तो अंदर में सॉलिड रॉक है। इसका कलर देखो पूरा एकदम गजब लग रहा है, ये वाला कलर पानी का, और फ्लो भी अच्छा है यहाँ पे। सामने 4 इनोवा जा रहा है एकदम वाइट कलर का, एक साथ ही लग रहा है, बढ़िया ब्यूटी है यहाँ का, सीनिक ब्यूटी अमेजिंग। फोटुला यहाँ से 66 किलोमीटर्स है एंड टाइम इज 11:03। लामायुरू तो अभी तक आया नहीं है, मुझे जितना लगता है लामायुरू से फोटुला 15-20 किलोमीटर के करीब है, अभी भी लामायुरू 40 किलोमीटर्स के आसपास तो होना चाहिए, देखते हैं पहुंचने से तो आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ का सीनिक ब्यूटी का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत सुंदर है। स्लाइड हुआ है, कितना बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा है, हाँ ये ट्रक तो पूरा एकदम यहाँ से ये गिरा है। अभी अभी गिरा है ऊपर से, तो अभी हटा है, अभी निकल पाएंगे हम लोग। अभी तो लामायुरू शहर चल रहा है और मैं अभी नेक्सॉन चला रहा हूँ, पापा XUV चला रहे हैं,
ये ऊपर का पहाड़ का स्ट्रक्चर देखो, इसी को मूनलैंड कहते हैं। लामायुरु का फिला पहाड़ नज़र आ रहा है। फोटुला 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अभी ओडो में दिखा रहा है 4115, तो 41130 तक आ जाएगा फोटुला टॉप। फोटुला टॉप और 5 किलोमीटर बाकी है और यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को कितना नज़र आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हो रहा है स्नोफॉल। ठंडा भी बहुत है, अभी शीशा खोलने से बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। छोटा छोटा स्नोफ्लेक्स गिर रहा है विंडशील्ड में। ओह, सामने का पहाड़ देखो, पूरा स्नो कवर्ड, बहुत सुंदर है। फोटुला टॉप अभी हम लोग निकल जाएंगे, रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 बार आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। अभी इसके बाद आएगा नामिकला, जो कि मुझे लगता है 35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फोटुला से। टाइम 1:40। नामिकला और 2 किलोमीटर है यहाँ से, कारगिल और भी 56 किलोमीटर, और कारगिल से सोनमार्ग अप्रोक्सीमेटली 112 किलोमीटर के आसपास होगा। वी हैव रीच्ड नामिकला और नामिकाला। तो यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर रुकते हैं। गाड़ी का और ड्राइवर का दोनों का आदान प्रदान, मैं अभी एक्सयूवी में आ जाऊँगा और भैया निक्सन चलाएंगे। पापा अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। पूरा बर्फ से ढका हुआ है पहाड़, बहुत सुंदर है। तो यहाँ से जोजिला पास, जो कि 153 किलोमीटर है। अभी लंच का तो वह हो गया है, 2:40 हो रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। We have reached Kargil. Time is 3:48 now. यहाँ से जोजिला पास जो है वो 102 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 6:09 को पहुँचेंगे। अभी तक हमने लंच नहीं किया, तो देखते हैं, लंच करने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। भूख वैसे उतना लगा नहीं है। कारगिल शहर में बहुत जैम होता है, ट्रैफिक जैम। सोनमार्ग यहाँ से 121 किलोमीटर दिखा रहा है। जोजिला पास अभी भी यहाँ से 66 किलोमीटर है। फिलहाल तो टाइम हो रहा है 5:41 और अभी तक कारगिल वार मेमोरियल आया नहीं है, आने वाला है कुछ ही देर में। जोजिला पास लग रहा है पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि 66 किलोमीटर्स मतलब अभी भी 1.5 घंटा तो लगेगा ही। ऊपर बर्फबारी हो रहा है, एकदम घना बादल छाया हुआ है माउंटेन्स के पीक पे। शाम होने को है और कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कारगिल वार मेमोरियल है ये वाला, तो यहाँ पहुँच गए।
अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 5:59। वी आर क्रॉसिंग द्रास सिटी। अभी स्नोफॉल हो रहा है, आप लोगों को कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, गाड़ी के लाइट में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओह, पूरा काला धुआं छोड़ के चला गया। फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है द्रास में, पता नहीं जो जिला में क्या होगा। ये देखो, इधर तो समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा हो रहा है स्नोफॉल। मैं सारा विंडो बंद कर देता हूँ नहीं तो ठंडा लगेगा। ये देखो कितना स्नोफॉल हो रहा है। कुछ ही देर में जोजिला टॉप पहुंचने वाले हैं। 5.5 किलोमीटर है यहाँ से, और जोजिला का जो ट्रेडमार्क रास्ता है पत्थर वाला वो शुरू हो गया है, और स्नोफॉल भी दिखाई दे रहा है। कैमरा में कितना नजर आ रहा है पता नहीं। जोजिला चढ़ने से पहले 12-13 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे गाड़ी का नंबर नोट किया और हम लोगों को बोला कि जोजिला टॉप के पास वाला जो रास्ता है वहाँ पे थोड़ा फॉग मिलेगा और स्नोफॉल हो सकता है, विजिबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से चलाने। लेकिन अभी तक वैसा कुछ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम मिला नहीं है, और ऊपर चल के देखते हैं और 5 किलोमीटर में कुछ अगर चेंज होता है तो बताते हैं आप लोगों को। वी हैव रीच्ड जोजिला टॉप। यू कैन सी दिस ग्रीन बोर्ड, वेलकम टू कश्मीर वैली, यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट। हम लोग आते वक्त इसी जगह पे रुके थे थोड़ा देर के लिए, अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। अभी तक तो पुअर विजिबिलिटी या ऐसा कुछ मिला नहीं, और यहाँ से हमारा जो होटल रहने वाला है वो भी आप लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग में देख लिए होंगे, उसका डिस्टेंस है 24 किलोमीटर फ्रॉम दिस जोजिला टॉप। तो वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताते हैं। अभी तो फिलहाल 7-8 हो रहा है टाइम, और 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, ऐसा ही एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग आया है, ऊपर से पानी तो बह रहा है और हम इसको क्रॉस कर लेंगे इजीली, ऐसा ही लग रहा है। एंड वी हैव क्रॉस्ड इट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी हमको 2 फॉग्स दिखा, यहाँ से भाग गया, कैमरा ऑन करते करते वो चला गया। है? हम लोग अपने होटल से और 8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे अभी अच्छा खासा बारिश हो रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। रास्ते में जो गिर रहा है उससे पता चल रहा है, तेज ही हो रहा है स्नोफॉल। कैमरा तो जस्टिस कर नहीं पाएगा कभी, और वो भी अंधेरे में और भी कम जस्टिस करेगा, लेकिन खुले आँखों से नज़र आ रहा है कि स्नोफॉल कितना तेज़ हो रहा है। होटल में एंटर कर चुके हैं, चेक इन टाइम था अराउंड 8 PM के आसपास। तो ये हमारा रूम है, पापा यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी वहाँ बैठी हुई है, ये रूम, वहाँ पे वॉशरूम है, ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। रूम अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। ये सीलिंग का कारोबार है, तो यही है हमारा सोनमार्ग का आज का स्टे। तो कल सुबह फिर 7-8 बजे निकल जाएंगे, 12 घंटे का स्टे रहने वाला है, बढ़िया है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो गिव इट अ लाइक एंड डू कमेंट इन दिस वीडियो, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। और फिर से मिलते हैं कल के जर्नी में, जो कि सोनमार्ग से उधमपुर का रहने वाला है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय।